हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एडवर्ड एक बार फिर से आप लोगों के बीच में डबल डोर रेफ्रिजरेटर लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसमें जो कॉइल है वो कॉइल सड़ चुका है और वहाँ से देखिए गैस के बुलबुले निकल रहे हैं दोस्तों, उसके कारण से ठंडा नहीं हो रहा है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये प्रॉब्लम आगे चल के ये आती है। ये कंपनी के तरफ से थोड़ा सा सही नहीं बनाते हैं, उसमें अच्छा लेमिनेट करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप लोग के पास ड्राई नाइट्रोजन गैस नहीं है तो इसका प्रॉब्लम प्रॉपर सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको अपन बाहर काट के निकाल लेंगे और यहाँ पर कॉपर का नया लगाएंगे और उसमें इंसुलेशन लगा के लगाएंगे तो उसकी लाइफ रहेगी। अगर कॉपर को हम डायरेक्ट लगाएंगे तो वो भी साल, 2 साल, 2.5 साल के अंदर ये भी ख़राब हो जाएगा। और इसमें थोड़ा समय टाइमर का डिफ्रॉस्ट वायरिंग के बारे में आप लोगों को समझाऊँगा इसमें और एक बार फिर से। तो इसमें पॉसिबल कैसे हो सकता है कि अपन को बिना नाइट्रोजन के अगर हम काम करेंगे तो हमें, आप देख रहे हैं इस प्रकार बहुत बुरी हालत से ख़राब हो चुका है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस नहीं होगा तो हम इसको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो पाएगा और हमें कंप्रेसर भी चेंज करना पड़ सकता है और बाहर से हम कंडेंसर कॉइल जो लगाते हैं बैक साइड में लगाना पड़ जाएगा। और हम फ्लैशिंग किससे करेंगे, फ्लैशिंग फिर वही कंप्रेसर से करना पड़ेगा, तो मॉइस्चर मॉइस्चर को हटा नहीं सकता दोस्तों। तो इसके लिए ड्राई नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करिए, हम कोई कंडेंसर कॉइल की आवश्यकता नहीं है, हम चेंज नहीं करेंगे। इस कंडेंसर कॉइल को बराबर हम अच्छे से फ्लैशिंग करेंगे ड्राई नाइट्रोजन गैस के द्वारा करते हैं और उसी प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ। उस प्रकार से अच्छे से फ्लैशिंग करने के बाद फिर हम सारे सिस्टम को कर लेंगे, पार्ट टू पार्ट में करेंगे। अब हम कंप्रेसर को भी फ्लैशिंग करेंगे, तो कंप्रेसर को फ्लैशिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें भी पूरा मॉइस्चर बैठ चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप कंडेंसर, एवापोरेटर कॉइल और उसके बाद फिर आप कंप्रेसर का भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि पहले कौन सा करना चाहते हैं। तो इसको हम अच्छे से साफ करने के बाद और उसके बाद फिर हम इसका ऑयल को चेंज करेंगे। ऑयल चेंज करने के बाद आप इसका फ्लैशिंग करेंगे, कंप्रेसर का ध्यान देंगे और अच्छे से फ्लैशिंग होने के बाद फिर इसको हम पूरा बराबर से कनेक्ट करेंगे और उसका लीक एक बार टेस्ट कर लेंगे। और लीक टेस्ट करने के बाद फिर हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। और इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे पास ऐसी समस्या आती है तो हमें ड्राई नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल ही करना है और डबल स्टेज रेगुलेटर का ही इस्तेमाल करिएगा उसमें। और जिस प्रकार से हाई साइड से और लो साइड से, दोनों साइड से हमको वैक्यूम करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डीप वैक्यूम करेंगे तभी हमारा प्रॉब्लम समाधान होगा और हम अच्छे से फ्लैशिंग करेंगे। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है दोस्तों, छोटा है, शॉर्ट बनाया है मैंने और इसको बड़े ध्यान से आप देख के करेंगे। और एक बार फिर से हाई प्रेशर साइड से आप ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर डाल के इसका पूरा पुअर पंपिंग का भी डिटेक्ट हो जाता है और हमारा कैपिलरी कहीं चोक नहीं है वो भी पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। वो इसलिए चोक हो सकता है क्योंकि हम जब ड्रायर में, जब फिल्टर में जब हम ब्रेजिंग करते हैं उस समय हमारा ब्रेजिंग राड ज़्यादा हीट करने से वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इससे हमारा डिटेक्ट हो जाता है कि हमारी कोई समस्या नहीं है और हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से ब्रेजिंग हो चुका है और लीक टेस्ट भी हो गया। अब हम ये वैक्यूम पंप, ये हम नए ले हैं दोस्तों, डबल स्टेज का वैल्यू का, और इसको हम अभी फिलहाल लिए हैं, 2 दिन हुआ है दोस्तों। और इसमें हम पहला रेफ्रिजरेटर को हम वैक्यूम कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग भी, ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, 1.8 CFM का है, रेफ्रिजरेटर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए ठीक होता है इतना, और एक ले लीजिए। और उसको लेने के बाद आप लोग के लिए भी अच्छा होगा, 8,500 का है दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं है, ऑनलाइन में महंगा है पर। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए हमने सारा प्रक्रिया को कर लिया है और इसको मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी हमारी पूरी वैक्यूम होगी। तो वैक्यूम होने के बाद फिर हम इसमें हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। तो मैं इसमें आगे जो दिखाऊंगा आपको ध्यान देंगे, मैं इसमें टाइमर को कैसे चेक करेंगे और प्रैक्टिकल बताऊंगा। उससे पहले मैं वायरिंग डायग्राम के माध्यम से आपने बताया था, इसी प्रकार इसमें भी बताऊंगा, आप लोग ध्यान देंगे। तो अभी इसमें 115 ग्राम लिखा हुआ है, 115 ग्राम हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे दोस्तों। तो इसी में मैं बड़ा लगा के आप लोग को समझाऊंगा। तो अब हम यहाँ पर
रिचार्ज कर लेंगे और टेयर करने के बाद इसको जीरो में कर लेंगे, और जीरो में करने के बाद फिर हम अच्छे से वेट करके 115 से 120 ग्राम के बीच में हम डाल देंगे दोस्तों। अब देखिए हमें इसमें डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब भी हम साइट में जाते हैं टाइमर में अगर ओवर कूलिंग हो रहा है या तो फिर कूलिंग ऊपर हो रही नीचे नहीं हो रही है तो हमें चेक करने की आवश्यकता है। हमें कैसे चेक करना ये चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और रेफ्रिजरेंट जब हम चार्ज हो जाएगा उस बीच में फिर मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या चेक करने की आवश्यकता है, वो चीज़ को मैं इसमें दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों, ताकि हम कभी भी अपने इस साइट में अगर काम करते हैं जो भी प्रॉब्लम आएगी हमें बड़े आसानी से हम टेस्ट करके और काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी रेफ्रिजरेंट हम चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज करने के बाद जब चार्ज हो जाएगा और कभी भी ध्यान देंगे वैक्यूम टूटना अनिवार्य है, तोड़ दिएगा उससे पहले वैक्यूम हो गया और तुरंत स्टार्ट नहीं करिएगा। 40-50 ग्राम रेफ्रिजरेंट जब चार्ज हो जाता है तब ही आप लोग रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं हमारा हो गया, और हम अब स्टार्ट कंप्रेसर को कर चुके हैं, और उस बीच में अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा इसमें, और इसको ध्यान से देखेंगे कि हमको कैसे चेक करना है टाइमर को, उसकी बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको एक बार फिर से मैं डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसमें ध्यान देंगे। 1 और 3 में सप्लाई रहता है ये आप लोग जानते हैं। ये रेफ्रिजरेटर में चार्ज हो चुका है, इसको हम बंद कर देंगे। अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1 नंबर न्यूट्रल होता है और 3 नंबर कॉमन होता है, 3 नंबर में फेस होती है, सप्लाई होती है। तो उसमें हम न्यूट्रल फेस, जैसे हम कभी भी कार्य करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पर न्यूट्रल फेस 210-20 जो भी है वोल्टेज वहाँ पर शो होना जरूरी है। तो अभी मैं देखिए प्रॉप को कोई भी निगेटिव पॉजिटिव कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसमें क्योंकि एसी है। तो देखिए इसमें मैं दिखाने कर रहा हूँ, 3 नंबर में 209 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, और 3 नंबर में सप्लाई आएगा तो सप्लाई कमांड करेगा 4 नंबर में, 3 नंबर में 1 नंबर से अपना आया देखिए थर्मल फ्यूज से हीटर से ऊपर सीधा आपका 1 नंबर में गया, और 2 नंबर में अभी नहीं जाएगा, यही बायमेटल से जाएगा। जब तक बायमेटल एनसी 5 डिग्री नहीं होगा, -5 डिग्री नहीं होगा, तब तक ये सप्लाई नहीं आएगा। अभी फिलहाल 3 नंबर से 4 नंबर में कमांड किया है और 4 नंबर कंप्रेसर को जाता है। तो देखिए मैं वोल्टेज भी दिखा रहा हूँ आपको, अब मैं 4 नंबर में भी दिखाता हूँ आपको। तो ध्यान देंगे इसमें ये 4 नंबर में भी वो जो सेम वोल्टेज आएगा दोस्तों। तो हमारा 1 नंबर न्यूट्रल है, 3 और 4 में फेस आएगा दोस्तों, और 2 नंबर में अभी कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा क्योंकि उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तब नहीं आएगा। जब हम -5 डिग्री जब हो जाएगा तब वो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब न्यूट्रल बन जाएगा दोस्तों। तो अभी 4 में है, अब हम कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद अभी हमारा जो सप्लाई आ रहा है वो चीज़ को मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप ध्यान देंगे इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, और कभी भी ये प्रॉब्लम आती है अगर टाइमर की डबल डोर में प्रायः ये समस्या आती है, तो इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। आप लोग जो नए हैं उनके लिए है दोस्तों, और जो इस चीज़ में माहिर है वो स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वोल्टेज इसमें 54-55-60 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये हल्का लीकेज वोल्टेज है, तो इसमें नहीं आएगा वोल्टेज दोस्तों, क्योंकि अभी वो एनसी नहीं हुआ। जब ये एनसी हो जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, और ये न्यूट्रल बन जाएगा तो फिर उसके बाद से इसमें सप्लाई आ जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद आप लोग को दिखाता हूँ, अभी फिलहाल कोई वोल्टेज इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको अभी एक बार और देख लीजिए, 1 नंबर न्यूट्रल हो गया, और ये 1 नंबर और 2 नंबर 230 वोल्ट आएगा, और इसमें अभी 0 वोल्ट आएगा दोस्तों। और
जब ये -5 डिग्री आएगा तभी एनसी होगा, तभी इसमें भी न्यूट्रल आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा, जब 9 घंटा 40 मिनट होगा तब इसमें सप्लाई आ जाएगी दोस्तों। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो अभी 5 डिग्री जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ अभी न्यूट्रल नहीं आएगा। तो इसको हम ज्ञात, हमको ये होता है कि हम जाते हैं तो हमारे समय उस टाइम रेफ्रिजरेटर ऑन रहता है, तो उस पोजीशन में 2 नंबर न्यूट्रल बनता है। देखिए 2 में -5 डिग्री आने से बायोमेटर एनसी हो गया है, तो एनसी होने से इसमें भी न्यूट्रल सप्लाई आ चुका है। तो अभी इसमें न्यूट्रल आएगा दोस्तों, अभी इसमें न्यूट्रल आ रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं 2 और 3 में देखेंगे तो हमारा वोल्टेज 210 211 अभी फिलहाल मेरे यहाँ का ये वोल्टेज है, तो 211 वोल्ट अभी शो कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। और 3 नंबर कॉमन होता है, अभी 4 से नहीं आएगा क्योंकि 4 से कमांड हट के 2 में हीटर को दे चुका है। अब 1 नंबर में देखेंगे तो 1 नंबर भी हमारा ध्यान से देखेंगे 211 वोल्ट बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने को चेक करने की आवश्यकता है, और ऐसे चेक करेंगे आपको प्रॉब्लम समाधान आपका आसानी से हो जाएगा। तो आगे अभी मैं आपको फिर से इसमें समझा दिखाता हूँ। अभी ये न्यूट्रल बन गया है, तो इसमें हमारा 201 नंबर और 2 नंबर ये न्यूट्रल हो गया है, 3 नंबर और 4 नंबर अभी सप्लाई है दोस्तों। तो ये एनसी हो गया है, तो अभी इसमें सप्लाई आ गया है। अब 9 घंटा 40 मिनट के बाद 4 से 2 में कमांड आएगा, 9 घंटा 40 4 से 2 में कमांड आएगा, तो ये फेस बन जाएगा दोस्तों। और ये फेस बनने के बाद फिर हीटर ये ऑन हो जाएगा, और इसके बाद 1 नंबर में भी फेस बन जाएगा। वो क्यों होगा, कॉइल से रिटर्न आएगा दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर न्यूट्रल है और 3 नंबर हम पॉजिटिव है, फेस है, तो फेस का रिटर्न आएगा आपका 1 नंबर में। तो अब जब हीटर जब कमांड करेगा, तो आप ध्यान देंगे जब हीटर में जब कमांड आएगा तो हमारा पहले न्यूट्रल 1 नंबर में था वो फेस बन जाएगा, और 2 नंबर में भी फेस आ जाएगा, और 3 नंबर तो कॉमन है उसमें फेस रहेगा, और 4 नंबर हमारा जो है वो उसमें सप्लाई नहीं आएगा। अब हम इसको चेक करने के लिए इस प्रकार से अपन घुमाएंगे, और घुमाने के बाद उसमें कुछ समय के बाद आवाज आएगी, उसमें टक जैसे ऐसा साउंड आया, उसमें अपन इस प्रकार से ट्रेस करने के लिए आप लोग सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। अब हम टेस्टर से चेक कर लेंगे, तो देखिए इसमें 1 नंबर में देखिए 2 नंबर में सप्लाई आ गया, फेस बता रहा है, और 3 नंबर में फेस रहेगा, और 4 नंबर में देखिए नहीं आ रहा है, 4 में नहीं आएगा क्योंकि वो कमांड 4 से 2 में दे दिया है। अब देखिए 1 में भी फेस आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉइल का रिटर्न आ रहा है दोस्तों। इसमें हीटर में टाइमर में कॉइल लगा रहता है, वो कॉइल में सप्लाई पड़ता है, तभी ये हमारा टाइमर वर्क करता है दोस्तों। तो ये रिटर्न आ गया, तो इससे हमको पता चल गया कि हमारा टाइमर भी ओके है और सारा कार्य इसमें अच्छे से कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको बारी बारी अच्छे से डिटेक्ट कर लेंगे कि हमारा टाइमर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं है। एक बार फिर से हमको आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 2 नंबर में अभी सप्लाई आ गया है, 3 नंबर कॉमन रहता है इसमें रहेगा पूरे टाइम, और 4 नंबर में नहीं रहता दोस्तों क्योंकि कट कर दिया, और 1 नंबर में ये रिटर्न। एक बार फिर से देखिए, ये टेस्टर से मैं दिखा रहा हूँ, लाइन टेस्टर से। तो इस प्रकार से हमको ज्ञात हो गया कि हमारा टाइमर वर्क सही कर रहा है। अब इसके बाद जब प्लस इसमें सप्लाई 2 में जा रहा है और हमारा हीटर ऑन है, जब +10 डिग्री हो जाएगा तब ये एनसी से एनओ होगा, ध्यान देंगे। उसके बाद फिर 12 मिनट का डिफ्रॉस्ट टाइम लेगा, उसके बाद फिर वर्क करेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो अभी हमारा 1 नंबर में सप्लाई है, 3 नंबर में सप्लाई है, यहाँ से आपका रिटर्न हो गया,
तीन से रिटर्न हुक एक में आ गया तो इसे सप्लाई है, और दो से इधर आएगा, चार में सप्लाई था तो इसमें कांटेक्ट बना दिया दो में। तो अभी हमारा कंप्रेसर जैसे होगा तो ऐसे स्टार्ट हो जाता है, और जैसे इधर हटेगा तो ये ऑफ कर देगा कंप्रेसर को, तो हमारा जो चार नंबर कंप्रेसर के लिए रहता है। तो अभी फिलहाल हम टाइमर में आ गया है तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये मेरी जानकारी थी दोस्तों, आप लोगों को पूरी देने की कोशिश किया हूँ, और इसको ध्यान से एक बार नहीं दो बार इसको देखेंगे, और जो उस बातों को मैं बता रहा हूँ उसको देख के आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आप लोग का काम भी सफल होगा, और इसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है दोस्तों। प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और आगे मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ों को जो बारीकियाँ हैं जो बहुत से लोग को नहीं मालूम है उस चीज़ों को बताने की कोशिश करता। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और इसके बाद फिर मैं नए टॉपिक पे नई चीज़ों को लेके आप लोगों के बीच में निरंतर आ रहा हूँ और आता रहूँगा दोस्तों, और अच्छी अच्छी बातों को बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा वर्क अच्छे से कर रहा है और हमारा सिस्टम ऑन है, और इसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे दोस्तों। थैंक यू।